अभी ये बताओ ये कौन सा मॉडल का डायग्राम खोले आप? ये रेडमी 6 प्रो है। रेडमी 6 प्रो तो क्या सेक्शन देख रहे हैं आप? ग्राफिक सेक्शन देख रहे हैं। तो ये कहाँ तक पहुँच गए आप अभी? कनेक्टर के पास आ गए, डिस्प्ले कनेक्टर। चलिए जूम करो उसको थोड़ा। ठीक है, फर्स्ट दो नंबर में क्या है? नंबर में ग्राउंड है। ओके। फोर नंबर में टीडी नेगेटिव है। सिक्स नंबर पे डीडी पॉजिटिव है। ठीक है, कितने लाइन से टोटल? ये 10 लाइन रहता है, दो दो लाइन मिलके एक डायोड मिलके रहता है। डायोड है कि क्या है? कॉइल है। कॉइल है, क्या रहेगा? कॉइल रहेगा। अभी अपन पहले TFT डिस्प्ले का देखे, नॉर्मल डिस्प्ले कैसा काम करता, उसके बाद सैमसंग का देखे। दोनों लाइन समझ में आए? अच्छा, अभी यहाँ पे इतने सब लोग हैं, सबको डायग्राम रीड करने आ रहा? अभी सबको आ रहा ना भाई? पहले जब आए थे आ रहा था क्या इस तरह से? कितने दिन हो गए आज को? 7 डेज। चाहे मैं अभी कितने सेक्शन पढ़ लिए अपन, चार्जिंग देखे, लाइट देखे, ग्राफिक देखे, ये तीनों सेक्शन की बात करूं, कोई भी अगर डायग्राम दे दूं या कोई भी फॉल्ट आया अभी रिपेयर कर सकते ना अपन? कंपोनेंट क्या लग के है और कितने वोल्टेजेस आते सब देख सकते सब लोग। अभी ये जैसा ये डिस्प्ले कनेक्टर के पहुंच गए, आपको किसी से पूछने की जरूरत है क्या सर लाइट ऐसी कहाँ पे? नहीं सर। ग्राफिक ऐसी कहाँ पे? नहीं सर। किसी से पूछेंगे क्या? नहीं सर। चार्जिंग ऐसी कहाँ पे लग के? OVP कहाँ पे लग के? सब लोग ढूंढ सकते कि नहीं ढूंढ सकते? ऑलरेडी कर रहे हैं आप लोग? रात में कब तक कर रहे हैं भैया प्रैक्टिस? कब तक? 3 बजे तक। सब लोग? और फेयर नोट्स कुछ बना रहे, कुछ नहीं बना रहे, कुछ रफ बना रहे, लेकिन सबके पास तो है ना डायग्राम, सब लोग तो बना रहे। तो अभी डिस्प्ले की अगर बात करें, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, ग्राफिक नहीं आ रहा, तो कौन सी लाइंस चेक करना है सब लोग कर लेंगे? कर सकते ना भाई? अपने से बनाते अभी, पहले कोशिश करो अपन खुद बनाने की, समझ में आ रहा है? चलिए यहाँ पे 10 लाइन क्या मिलेंगे अपने को पहले? तो अभी अपन पहले दो डायग्राम्स खोले, ये तीसरा डायग्राम खोले, कुछ अलग दिख रहा है क्या अपने को? नहीं दिख रहा ना भाई? अच्छा, आसान लग रहा कि नहीं लग रहा अभी? आसान लग रहा। चलिए 10 लाइन होने के बाद में और क्या है उसके बाद? ये कहाँ से आते हैं MIPI? CPU। सबको मालूम हो गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट। माइनस और प्लस का बटन यूज करो जूम इन जूम आउट के लिए, ठीक है? हाँ, 10 लाइन के बाद में और क्या है वहीं पे राइट साइड में? पहले पे कंप्लीट करो राइट साइड पूरा। नहीं ये छोड़ दो, 10 लाइन के बाद की बात बताओ। 34 है तो यार, लास्ट में देख के बताओ। हाँ, क्या लिखे? VSN VSP पता है सबको? कितना वोल्टेज आता मालूम है ना? बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, मालूम है? कहाँ से आता वो भी मालूम है? सब लोग बना सकते ना भाई? चलो यहाँ पे मिला सेम वही, कितने नंबर पे मिला VSP? 34 और 30। जरा जूम करके बताओ भाई, यहाँ से हटाओ इधर, देखो भाई 34 और 36, बीच में क्या कंपोनेंट है? कितने वैल्यू के? हाँ, सीरीज है के पैरेलल है? करेक्ट। मालूम हो गया सबको? यहाँ आने से पहले मालूम था क्या? नहीं मालूम था। और भी कुछ है यहाँ पे? क्या लग के? कैपेसिटर्स कितने है? दोनों लाइन में एक एक है, सीरीज के पैरेलल। वैल्यू कितना है? 10 वोल्ट। यहाँ देखो 1 माइक्रो फैराड के कितने है? तो ये वाले सीरीज है के पैरेलल है, मालूम कर लेंगे। ये लाइन अगर ओपन हो जाए तो बना सकते हैं, लाइन अगर शॉर्ट हो जाए तो बना सकते हैं ना अपन। अपने को मालूम है ये कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ पे एंड होता है, क्या होता है? और बीच में सीरीज मिलते के कंपोनेंट पैरेलल मिलते हैं वो भी मालूम है, और आपको लाइन भी मालूम है, वोल्टेज कितना आता है उस पर वो भी मालूम है, वोल्टेज कहाँ से आता मालूम है, तो ये रिपेयर कर सकते ना भाई। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? 38 में ग्राउंड और 40 में क्या है? मतलब एक साइड का पूरा हो गया कंप्लीट। चलो नेक्स्ट साइड में जाओ, इस साइड में ऊपर से, ऊपर से फर्स्ट नंबर क्या है? सब लोग बोलो भाई। उसके बाद 3 नंबर क्या है हमारी? 3 नंबर VCC। कितना वोल्टेज आ रहा? 1.8। इससे पहले लिखे अपन VREG लाइन लिखे ना, वही लाइन। उसके बाद 5 नंबर क्या है? क्या है? NC। उसके बाद में 6 ID 0 और ID ये कहाँ से आ रही मालूम है सबको? चलो आप ही मेरे को बताओ ID 0 कहाँ से आ रही, और बीच में क्या कंपोनेंट है बताओ पहले तो? पहले रेसिस्टर है। कितना वैल्यू का है?
क्या है 1K. अभी मालूम हो जा रहा, पहले मालूम होता था क्या कितने वैल्यू का रजिस्टर कहाँ लग के सीरीज के पैरेलल? अच्छा ये सीरीज में है कि पैरेलल में? सब लोग भाई सीरीज में, चलो ये लाइन कहाँ जा रही बताओ भाई, कौन सी आईसी से आ रही है? वेरी गुड, सेलेक्ट नहीं हुआ वो, इतना पड़ेगा, करो करो होता हो गया, चलो इधर तरफ का हो। हाँ और एक बार कितने नंबर पिन पे आ रहा पहले वो बता दो। 66 में आ रहा, कहाँ से आता है ये ऑलरेडी सबको मालूम है और ये सर्च करके भी बता रहे हैं ना ये। चलो बताओ भाई कहाँ से आ रहा, नंबर बताओ आईसी का क्या है? U100 MSM 8953। चलो U100 किधर है डायग्राम में, बोर्ड के अंदर कहाँ लग के, और कौन सी आईसी हम सर्च कर सकते हैं सब लोग जैसे ये कर रहे हैं। अच्छा मैं इन किसी एक्सपर्ट को तो उठा के नहीं धरा दिया, इन्हों अच्छा कर रहे बोल के ऐसा तो नहीं बुलाया। अच्छा सब एक्सपर्ट है यहाँ पे, हाथ उठा के बताओ भाई, सब ढूंढ सकते हैं ना सब लोग? हाँ पूरे एक्सपर्ट ही रहना फोन फिक्स में आए तो। चलो भाई कहाँ मिला आपने को, मिल गया सीपीयू? तो अंदर कौन से बॉल से आ रहा वो भी मालूम हो गया आपने को। लाइन ब्रेक हो जाए तो वहां से क्या करना रहेगा, जम्पर, और अगर लाइन शॉर्ट हो जाए तो सीपीयू क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे सीपीयू। चलिए नेक्स्ट, आईडी लाइन कहां से आ रही मालूम हो गया, वहीं से जाओ और नेक्स्ट करो वापस से। हाँ यहीं से वापस कनेक्टर में आ गए, ये वाला यहाँ से काटो बड़ा हो जाएगा। चलो अभी इसके बाद और थोड़ा जूम करके बताओ भाई, उसके बाद क्या लाइन है? आईडी बीच में सीरीज में क्या है उसमें, कितना वैल्यू का है, कितना 1K का है, ढूंढ लेते ना सब ये। अच्छा एक बार ये बताओ आईडी 1 का जो रजिस्टर है नंबर क्या है उसका? 8, 17, 14। एक मिनट आप वहां पे खड़े रहो और आप आओ भाई, ये रजिस्टर बोर्ड में कहाँ लग के बताओ, सब लोग ढूंढ सकते हैं? ठीक है चलो उधर से भी यूज कर सकते हैं, टेंशन नहीं। क्या नंबर है? 17, 14। अगर बोर्ड में ये निकल के आ जाए तो लाइन काम करेगी क्या? तो ये देखने आना ना अपने को, वैल्यू कितना है वो मालूम होना चाहिए और रजिस्टर कहाँ लग के है कि नहीं है, निकल के आ जाए तो प्रॉब्लम हो सकता। जूम करके देखो भाई, नेक्स्ट करके इधर का निकलो, कहाँ मिल रहा 17, 14? हाँ जूम करो, जूम करो और आप ही जूम करो भाई, बताओ ऊपर से, ऊपर से करो, प्लस का क्या दबो, इधर का प्लस। हाँ वेरी गुड, मिल गया, ढूंढे ना ये, इसके लिए क्लैप्स कर दो एक बार जोरदार। तुम कहाँ से भाई? हैदराबाद लोकल से। पहले आता था डायग्राम ढूंढने, अभी ढूंढ ले रहे। ये रजिस्टर अगर निकल के आ जाए तो आ सकता है ना भाई, तो वो अगर आईडी 1 की लाइन अगर ओपन हो जाए तो ये रजिस्टर क्या हो सकता है, वहां से मिसिंग हो सकता, खराब हो सकता, तो अपने को क्या करना है वहां पे, रजिस्टर रिप्लेस करना। उसके बाद में कौन सी आईसी रिवॉल्व करेंगे बोलो भाई? वेरी गुड, बैठ जाओ, थैंक यू वेरी मच। ठीक है और नेक्स्ट बताओ भाई क्या है उसके अंदर, वापस से जाइए। आईडी 1 के बाद में क्या है, 11 नंबर क्या है? ग्राउंड। चलिए 17 नंबर LED PWM मतलब पल्स विथ मॉड्यूलेशन, वही लाइन हमारी किसके लिए है, ब्राइटनेस वाली। ठीक है चलिए नेक्स्ट, 15 नंबर ग्राउंड है। ठीक है 17 नंबर टी, सबको मालूम है कहाँ से आता, ऑलरेडी दो डायग्राम में देख लेते अपन। ठीक है चलो नेक्स्ट, 19 नंबर ग्राउंड है। ठीक है 21 रीसेट, ठीक है 23 ग्राउंड, रीसेट में क्या लग के भाई, कंपोनेंट बताओ जरा, कितने के का है? ठीक है यहाँ पे कौन बताते भाई, उधर से पीछे से आप आओ, ये रजिस्टर कहाँ है बताओ भाई रीसेट का, क्योंकि ये अगर से निकल के आ जाए तो और वो अगर खराब हो जाए तो कोई तोड़ दे कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है ना। आप वहीं पर ठहर जाओ वापस से, फिर कंटिन्यू करना। रीसेट की लाइन का रजिस्टर नंबर क्या है, नंबर पहले बता दो। R1705। वेरी गुड, कहाँ लग के यहाँ पे थोड़ा हाथ से बताओ, बोर्ड में कहाँ लग के देखना है अपने को, क्या करना है
बोर्ड में देखना है, कहाँ देखना है? बोर्ड में। क्या था आर? मिल गया, मिल गया ना भाई। एक बार जोरदार क्लैप्स करो इनके लिए। आपका नाम क्या है? कहाँ से आप? इंदौर से। इंदौर से, एमपी से? तो उतनी दूर से एमपी से यहाँ कैसे आ गए भाई हैदराबाद? सर आपका नाम बहुत सुना था, यूट्यूब पे भी देखा था। अच्छा, तो अभी जब आए आप सब सर्च कर रहे वगैरह सब आ रहा है? सब आ रहा है। तो पहले जब आए थे इस तरह से करते थे क्या? नहीं आता था। अभी क्या लेवल पे पहुंच गए? कितने दिन हो गया? 7 दिन। 7 दिन में क्या लेवल तक पहुंच गए आप? बहुत अच्छा लग रहा है। आवाज एमपी तक जाना, मेरे को नहीं सुनाई दे रही। बिल्कुल सर, एमपी वाले इंदौर वाले सब आ जाओ भाई। हाँ। बहुत मजा आ रहा है यहाँ, बहुत कुछ सीखने को है और आप अच्छे से सीख सकते हो। मुझे थोड़ा थोड़ा आता था पर मुझे समझ में आ रहा था कि मुझे नहीं आ पा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और सभी लोगों को ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आओगे, अच्छे से सीखोगे और आगे बढ़ोगे। तो ऐसा तो नहीं है सुबह से शाम तक यहाँ पे बोर्ड पे खाली बता लेते बिठा दे रहे आपको? नहीं, हैंड स्किल का काम करा रहे? करना पड़ेगी। हैंड स्किल का प्रैक्टिस कर रहे हो आप? बिल्कुल। कब से कब तक कर रहे? लंच के बाद से। मतलब 8 बजे तक आपका हैंड स्किल का काम? तो अभी आईसी वगैरह सब खोल के लगा ले रहे? ऑलरेडी लगा दिए? लगा दिए सब, रिबॉल करके। अभी रिबॉलिंग वन शॉट में हो जा रही? पेस्टेड आईसी, ब्लैक पेस्टेड, वेट पेस्टेड खोल रहे? आसानी से खुल रहा है। अच्छा ये बताओ, नॉर्थ में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है दूसरे जी, उसमें इसमें क्या फर्क लगा आपको? यहाँ पे वहाँ नहीं जाके आप यहाँ पे आए? दूसरी जगह मैंने सर्च किया था तो वहाँ कुछ लोगों से पूछा कि यहाँ का अच्छा रिजल्ट नहीं है, अब यहाँ जाओ हैदराबाद। अच्छा, तो मैं हैदराबाद। अच्छा, तो जो आपको भेजे उन्होंने यहाँ से कोर्स करके गए थे कि क्या था यहाँ का? बंदे को भेजा था, वो बंदा कोर्स करके गया, वो काम कर रहा। अच्छा, तो उस बंदे ने फिर रेफर किया यहाँ। तो अभी 7 दिन हुआ, अगर मैं आपको 2 महीने बाद में जो आप 20 दिन कोर्स करके जाके पूछेंगे, 2 महीने बाद पूछूं आपसे तो क्या लेवल तक चले जाएंगे आप? अच्छे लेवल पे कर सकते ना काम? एक बार जोरदार क्लास भाई इनके लिए, थैंक यू वेरी मच भाई। चलो भाई नेक्स्ट कंप्लीट कर दो फटाफट। अभी ये इसलिए बुला के पूछ रहा हूँ क्योंकि सबको आता ना सर्च करने, देखने लाइन कहाँ जा रही, कॉम्पोनेंट कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि लाइव मैं ले रहा हूँ। ऐसा नहीं कि पहले से तो नहीं खोल कर रखा था डायग्राम? नहीं सर, नहीं सर। बोलो भाई। नहीं सर, पहले से तो यहाँ ये रजिस्टर है तो नहीं बताया ना पहले से? नया डायग्राम और ये भी। अच्छा, यहाँ पे जो अपन पढ़ रहे, मेरी मर्जी से कोई डायग्राम खोल के पढ़ाता क्या? किसके डायग्राम पे पढ़ते हो? कौन चूज करते भाई आप लोग? मैं पहले से तो देख के नहीं रखता ना, रात में आज पूछ लेके जाके कल देख के आके तो नहीं बता रहा हूँ। डेली लाइव शाम में खोल रहे अपन, और मैं मेरी इतनी गारंटी है यहाँ का हर बच्चा वो देख के बता सकता। जो डायग्राम बोले वो डायग्राम बना सकते ना भाई सब लोग? कोई भी डायग्राम में आईसी किधर है, बॉल किधर है, कहाँ आ रहा, कितने बॉल का आईसी है, सबको बनाने आता है? ठीक है, चलिए कंप्लीट कर दो भाई। 23 ग्राउंड है सर। ठीक है, 25 MCA है। ठीक है, 27 LED है। एनोड लाइन किसके? ग्राफिक के लिए रहती है लाइट के लिए रहती है? लाइट के लिए रहती है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। 29 MCA, ठीक है। कैथोड के इसमें कितने लाइन है? 2 लाइन। अच्छा, देख लो वही, 3 लाइन है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे है? 31, 33, 35। ठीक है, उसके बाद क्या है? 37 MCA, 39 ग्राउंड। वाह क्या बात है, एक बार जोरदार क्लास इनके लिए। आप कहाँ से हैं? तेलुगु में बताओ, मैं हिंदी में पूछता हूँ, आप तेलुगु में बोलने का। नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट नीचे देवरगोंडा नीचे वा इंत आलरे को नालेज रे मैं सेकंड टाइम इपू इंकोटी बोर्न सिस्टम डायग्राम चूडा सेकंड टाइम ओपन फर्स्ट ना फ्रेंड का ओपन सेकंड टाइम अंत। तो अभी यहाँ 7 दिन में आप क्या क्या सीखे ये बताओ? 7 रोल ऑलरेडी पेस्टेड आईसी, वाइट पेस्टेड आईसी फर्स्ट टाइम सॉल्व प्रॉब्लम, चार्जिंग आईसी, लाइटिंग आईसी निना दाखी मतलब प्रॉब्लम एला चेयाले एला चेक चेयालो मतलब अर्थम नेक्स्ट टाइम एमना डायग्राम लेआउट मीद आधार पड़ 2 मंथ 100% फर्स्ट लेवल को वस्ता। तो आंध्र और तेलंगाना से कोई आना चाहे तो क्या रीजन है क्यों आना, थोड़ा सा बताओ? ఆంధ్ర నుంచి తెలంగాణ నుంచి ఎవరు వచ్చినా సరే తెలుగులో హిందీలో మీకు ఏ భాషలో అర్థం కాకుండా మార్నింగ్ హిందీలో చెప్పినా మధ్యాహ్నం తెలుగులో సాగర్ సార్ తెలుగులో మీకు డౌట్ ఉన్నా క్లియర్ చేస్తాడు. మూడు రోజులు హ్యాండ్ స్కిల్ నేను సెట్ అయిపోయినా, 20 రోజులు ఉంటది కాబట్టి ఇంకా మనం పర్ఫెక్ట్ హ్యాండ్ స్కిల్ ఇక్కడనే ఓకే అయ్యి మనం బయటకు వెళ్తాం. హాస్టల్ ఎట్లా ఉంది? హాస్టల్ బాగున్నా ఉంది. కోయ్ రహనే కా కోయ్ ప్రాబ్లం నీ ఖానే కా? ఉండడానికి కూడా ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు.
రూమ్ కూడా ఫ్రీనే ఉంటది ఇక్కడ ఏ డౌట్ ఏమి ఉండదు రూమ్ కూడా దగ్గర ఇన్స్టూల్ నుంచి దగ్గరనే ఉంటది तो जो सोच के आए थे मिल रहा आपको मिल रहा अभी जाके काम कर सकते ना भाई ठीक है एक बार जोरदार क्लास इनके लिए थैंक यू वेरी मच तेलुगु में क्या बोलेगी लोगों को तो समझ में आ जाता ठीक है थैंक यू वेरी मच।